माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। दुर्गा पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जय माँ दुर्गा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसे सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा, दो ऐसे 4.1 सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप परचेस कर सकते हो और उनकी साउंड भी काफी अच्छी है। बट उन दोनों में से आपको कौन सा परचेस करना है और क्यों करना है, किस लिए करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप गलत परचेस कर लोगे। सबसे पहले जो सिस्टम है वो है क्लेरियन की तरफ से आने वाला JM ब्लास्टर इमेजिन, जो कि है 82 वर्ड्स आउटपुट के साथ आता है। और आप देख सकते हो सिस्टम काफी यूनिक है, एकदम अलग डिजाइन है, ना ही हमने अभी आज तक देखा है इस तरह का सिस्टम और ना ही शायद हम देखेंगे। बट ये सिस्टम काफी यूनिक है, देखने में काफी अलग है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक RGB डायनामिक LED लाइट लगाया गया है जो कि आपके म्यूजिक के ऊपर चेंज होगा। साथ में सामने की तरफ आप देखें तो 6.5 का सबवूफर लगाया गया है जो कि है 50 वाट्स RMS का। उसके ऊपर देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है और ऊपर की तरफ उसको स्विचेस है और USB का पोर्ट, SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। सामने की तरफ आप देखें तो मेटल ग्रिल की प्रोटेक्शन दी गई है और काफ़ी यूनिक है और काफ़ी हार्डी है, मतलब बढ़िया है। जो क्वालिटी है सिस्टम की वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ में स्पीकर्स देखें तो स्पीकर्स आपको मेटल ग्रिल के मिलते हैं, सामने प्रोटेक्शन दी गई है। और पीछे की तरफ आप देखें तो ABS प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, बट वो चीप ABS प्लास्टिक नहीं, एकदम हल्का वाला, क्वालिटी इसकी अच्छी है स्पीकर की। 3 इंच के स्पीकर्स हैं जो कि 8 वाट RMS के साथ आते हैं और जो टोटल आउटपुट है वो है 82 वाट्स सिस्टम की। तो भाई ये जो सिस्टम है काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग लग रहा है। और दूसरा जो सिस्टम है वो भी क्लेरियन की तरफ से आने वाला है, JM10460। और जो सिस्टम है वो देख सकते हो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग लुक, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी लग रहा है। और जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बल्कि लग रहा होगा आपको, और पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है 10 इंचेस का सबवूफर। और अगर 10 इंचेस का सबवूफर के लेना, अगर हाउसिंग आप दो कैबिनेट की जो हाउसिंग है वो अगर आप छोटा दे दो तो जो साउंड आएगी वो सिर्फ बूमी आएगी, वो बेस नहीं आएगा। इसलिए जो कैबिनेट है इसकी उसको थोड़ा बड़ा रखा गया है जिससे जो ऊफर है वो पूरी पोटेंशियल के साथ अपना काम करे और बेहतर बेस जनरेट करे। इसलिए जो ऊफर की कैबिनेट हो थोड़ी सी बल्कि है। और यहाँ पे आपको मिलता है 10 इंच का जो सबवूफर मिलता है उसकी जो टोटल आउटपुट है वो है 70 वाट्स की। और जो स्पीकर्स आपको मिलते हैं वो 3 इंचेस के हैं और जो टोटल आउटपुट है स्पीकर्स की वो है 60 वाट, यानी कि 15 वाट करके स्पीकर्स है। 4.1 सिस्टम है और काफ़ी यूनिक है भाई। सामने की तरफ आपको डिस्प्ले मिल जाता है, USB कार्ड का स्लॉट है, कुछ स्विचेस दिए गए हैं, देख के लग रहा है कि एक सिस्टम है 4.1 सिस्टम, नए जमाने का सिस्टम लग रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है, दोनों सिस्टम अलग है, एक में 6.5 इंच का सबवूफर, एक में 10 इंच का सबवूफर। बट आपको लेना कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप गाने सुनो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी साउंड कैसी है, क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों सिस्टम में और क्या आपको लेना है। शुभम द ऑडियो शॉपिंग की बदौलत ही पूरा हो पाया।
तो थैंक यू भैया फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। तो जैसे कि आप लोग इसकी साउंड सुनी, अब सबसे पहले बात करें ब्लास्टर इमेजिन की, तो यहाँ पे देखो जो लाउडनेस मिल रही है हमें वो एक अच्छी लाउडनेस मिल रही है, काफ़ी सिस्टम लाउड है, बोलने को बस 32 वाट का स्पीकर लगाया गया बट सिस्टम लाउड है और आपका अगर रूम 175 के आसपास है तो इजीली कवर कर लेगा। ओके, तो लाउडनेस मिल रही है, आपको दिक्कत नहीं होगी, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है। सिस्टम की बात करेंगे ट्रेबल की, तो विदाउट भाई विदाउट एक डेडिकेटेड ट्विटर जो ट्रेबल आ रही थी वो भी काफ़ी क्लीन थी, अच्छी आ रही थी। अब बात करेंगे क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी सिस्टम की काफ़ी अच्छी है। मैंने मेल सिंगर और फीमेल सिंगर दोनों की जो आवाज़ सुनी थी इस सिस्टम में, तो दोनों की जो साउंड आ रही थी वो अच्छी आ रही थी और ऐसा नहीं लगा था काफ़ी ज़्यादा एल्टर्ड है, साउंड काफ़ी अलग आ रही है, वैसा नहीं है, बट मे भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था फीमेल वॉइस के वहाँ पे। अब बात करें अगर बेस क्वालिटी की, तो भाई इस सिस्टम की जो अपर बेस और लोअर बेस है ना वो अच्छी है, हालांकि जो अपर बेस है वो ज़्यादा बेटर है और जो लोअर बेस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी। तो बेस के मामले में ये सिस्टम ठीक है और बहुत ही बढ़िया नहीं है बट अच्छा है। आप एक बैलेंस सिस्टम चाहिए आपको कि जिसमें आपको जो अपर बेस है वो अच्छी मिले, जो लोअर बेस है वो ठीक ठाक मिले, तो ये सिस्टम अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं JM10460 की, तो इसकी जो खास बात है वो है इसकी बेस। इसकी जो अपर बेस है जो लोअर बेस है ना वो दोनों ही बेहतर है। ओके, जो लोअर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है और आपको एक हार्ट थम्पिंग बेस मिलेगा, ऐसा लगेगा कोई पंप कर रहा है आपके सीने में, इस तरह का बेस आपको मिलेगा और काफ़ी क्लीन है और हार्ड बेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चुभेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा लग रहा है सीने में, ऐसा नहीं लगेगा। तो एक स्मूथनेस भी आएगी आपको बेस में और जो अपर बेस है वो भी अच्छी है, जो साउंड आती है आपको वो भी काफ़ी अच्छी है बेस की। तो ये सिस्टम अगर बेस के मामले में जाए और तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है। अब बात करें अगर इसके वोकल्स की, तो वही वोकल्स की क्लैरिटी अच्छी है और मे बी जो फिंगर की फीमेल की जो वॉइस है वो इसमें भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी बट इट्स ओके, और ख़राब नहीं है, मैं ख़राब नहीं बोल सकता बट अच्छी है। ओके, अब बात करें अगर ट्रेबल की, तो विदाउट ट्विटर अच्छा है झनका, और मे भी अगर इसमें आप ट्विटर लगा देते ना भाई क्लेरियन तो ये सिस्टम और बेहतर हो जाता और काफ़ी अच्छा हो जाता और मे भी हो सकता जो वॉइस है वो भी थोड़ी सी अच्छी लगने लगती, बट ऐसे ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करें अगर लाउडनेस की, तो अगर आपका रूम है करीब 250 स्क्वायर फीट तक का तो ये सिस्टम आपके रूम को कवर कर सकता है। और इसकी प्राइस पता है क्या है? प्राइस 8000, बस 500 रुपये ज़्यादा है। 500 रुपये में क्या डिफरेंस है? पहले तो उसमें RGB LED लाइट मिलता है ब्लास्टर इमेजिन में, बट आपको इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा एक तगड़ा वाला बेस, जो लोअर बेस भी जिसकी तगड़ी हो और जो अपर बेस भी वो भी अच्छी और बैलेंस्ड हो, और किसी तरह से आपको नहीं लगेगा कि आपकी जो झनकार है वो कहीं गुम हो गई या वॉइस जो सिंगर की वॉइस है वो कहीं गुम हो गई, एकदम बैलेंस सिस्टम है और अच्छा लग रहा है। हालांकि आपको थोड़ा सा बेस ओवर पावर लग सकता है किसी किसी गाने पे, तो आप उस समय आप बेस को कम कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है इस सिस्टम में। और दोनों ही सिस्टम में आपको FM मिल जाता है बट एक में मिलता है RGB LED लाइट्स। अगर आपको पसंद है RGB LED लाइट्स और आप एक नॉर्मल से सिस्टम जाते हो, ज़्यादा बेस आपका प्रायोरिटी नहीं है, तो आप ये JM ब्लास्टर इमेजिन चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपका प्रायोरिटी है बेस, आपको बेस बढ़िया चाहिए, ओके, साथ में आपको लाउडनेस भी ज़्यादा चाहिए, तो आप हमेशा चूज़ करिए 10460 जो कि एक धमाकेदार सिस्टम है और प्राइस है सिर्फ 8000 रुपीज़। तो 8000 रुपीज़ में ये सिस्टम 10460 ज़्यादा बेटर है ब्लास्टर इमेजिन से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अभी तक यहाँ पे पहुँचा हूँ 1 लाख के काफ़ी करीब हूँ, और बस ये आप ही की बदौलत है, आप ही लोगों ने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जो भी किया सब आप ही लोगों की बदौलत है। ये 100K सब आप ही को डेडिकेटेड है और सब आप ही के लिए है। तो जय माँ दुर्गा, और मिलते हैं मैं भी कल एक वीडियो के साथ। मैं ट्राई करता हूँ, वीडियो कुछ है नहीं बट कोशिश करता हूँ कोई एक वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि उम्मीद है माँ दुर्गा और आप सभी का आशीर्वाद साथ रहा तो कल 100K पूरे हो जाएंगे भाई। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।